उत्तराखंड का प्रसिद्ध गीत गुलाबी शरारा देश विदेश में धूम मचाने के बाद एक स्ट्राइक के चलते यूट्यूब से हट गया है, जिसको लेकर उत्तराखंड के लोगों में रोष है और हर जगह ये विषय चर्चाओं में है। सोशल मीडिया पे युवाओं ने गाने को वापस लाने को लेकर बकायदा मुहिम छेड़ी हुई है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर किस गाने की वजह से गुलाबी शरारा को स्ट्राइक मिली और क्यों ये डिलीट हो गया। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने कार्यक्रम छिबड़ाट में। तो आइए बात करते हैं कि आखिर उत्तराखंड का कुमाऊनी प्रसिद्ध गीत गुलाबी शरारा क्यों इस तरह से डिलीट हो गया। उत्तराखंड के सिंगर इंदर आर्य का ये गीत 140 मिलियन व्यूज के साथ ही उनको एक अलग मुकाम पर ले गया था। इस गाने ने देश ही नहीं विदेशों में भी धूम मचाई हुई थी। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ठुमक ठुमक लाइंस पर लगातार ठुमके लगाते हुए रील्स बना रहे थे। यंग उत्तराखंड ग्रुप की ओर से इस गाने को यूट्यूब पर अपलोड किया गया था और आखिरकार एक दूसरे यूट्यूब चैनल से एक दिन एक स्ट्राइक आती है और पलक झपकते ही 140 मिलियन लोगों का प्यार इस गाने के डिलीट होने के साथ ही ढेर हो जाता है। और फिर रह जाते हैं तो सबकी जुबान पर कुछ सवाल कि आखिर स्ट्राइक किसने दी और आखिर किस गाने की धुन से इसकी धुन मिलती जुलती थी। इसके बाद दो प्रसिद्ध गायकों के गानों को लेकर चर्चा होती है और साथ ही उन पर शक की सुई उठनी शुरू हो जाती है। किसी ने कहा कि गुलाबी शरारा की धुन उत्तराखंड की लोक गायिका की आवाज में गाए गाने पिंगली साड़ी की धुन से मिलती है, तो किसी ने कहा कि लोक गायक गजेंद्र राणा के चिट रुमाल से धुन चुराई गई है। इस पर उत्तराखंड की नौनी ने कल्पना चौहान के पति राजेंद्र चौहान से बात की तो उन्होंने बताया कि धुन पिंगली साड़ी गाने से मिलती जुलती जरूर है, लेकिन पहाड़ी गानों में अधिकतर धुन एक दूसरे से मिल ही जाती है और वैसे भी ये एक लोक धुन है जिसको कई गानों में पहले भी लिया गया है। बावजूद इसके यदि किसी YouTube चैनल से स्ट्राइक भेजी गई है तो उनको इस मामले की जानकारी नहीं है। वहीं जब गायक गजेंद्र राणा से बातचीत की गई तो उन्होंने खुलकर ये बात स्वीकारी और कहा कि उनके पुराने गीत चिट रुमाल से धुन मिलती जुलती है। ये गाना वर्ष 2005 में चंदा पहाड़ी यूट्यूब चैनल की ओर से अपलोड किया गया था। हालांकि चंदा पहाड़ी के मालिक की मौत के बाद इसको सोनाटेक ने खरीद लिया था, जो कि आज करोड़ों की कंपनी है। उन्होंने कहा कि कंपनी की ओर से यदि स्ट्राइक दी गई है तो इसके लिए वो कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं, जबकि उनको टारगेट किया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। यदि उनको ऐसा कुछ करना होता तो वो इतने व्यूज पाकर अच्छी खासी कमाई करने के बाद ही ऐसा क्यों करते। गजेंद्र ने कहा कि उन्होंने और इंदर ने साथ में कई शोज किए हैं और उनके मन में किसी के लिए कोई दुर्भावना नहीं है। ये उन पर आरोप लगाने वालों को समझना होगा। ये जो भी मामला है इस पर लीगल तरीके से कंपनी से लड़ाई लड़ी जाए तो बेहतर होगा, जैसा कि कई लोगों ने हमको कमेंट कर पूरी बात जाननी चाहिए। लेकिन जल्दबाजी की पत्रकारिता के फेर में हम आपको कोई गलत या आधी अधूरी जानकारी नहीं दे सकते थे। ऐसे में पूरी रिसर्च के साथ ही उत्तराखंड की नौनी ने सभी से बातचीत करके सबका पक्ष लेकर आज आपके सामने पूरी जानकारी रखी। तो अब क्या कुछ कहना है आपका कि इस पर उत्तराखंड के कलाकारों ने ये कुछ किसी ईर्ष्या द्वेष में आकर ऐसा कुछ किया है या फिर उस कंपनी ने ये सही एक्शन लिया है? कृपया अपनी राय हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।